हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा कि हम फ्लटर में न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और फ्लटर में प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं। जैसे हमने फ्लटर का प्लगइन इंस्टॉल करना है तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आप सेटिंग्स में जाओगे, देन आपने प्लगइन्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे फ्लटर का सर्च करना है। जैसे देखिए कि यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आ रहा है क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा है। तो आप क्या करोगे, इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपका फ्लटर का प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा आपके एंड्रॉयड स्टूडियो में। देन आप ओके क्लिक कर दोगे। तो अभी जैसे फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है उसको देखेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। देन आपके पास जहाँ पे फ्लटर आएगा उसके बाद जहाँ पे आपका पाथ सेट हमें करना होता है फ्लटर के लिए, जैसे मैंने अपना सी ड्राइव में पाथ सेट किया हुआ है, तो उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। जहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डेमो नाम दे दिया। तो जी ऐप आपका किस किस के लिए है, जैसे एंड्रॉयड, iOS, लिनिक्स, मैक ओएस, वेब, विंडोज़। तो अभी हमें जैसे एंड्रॉयड और iOS के लिए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बाकियों को अनचेक कर देंगे देन क्रिएट कर देंगे। तो जी आपका फ्लटर का नया प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो जाएगा अभी। जी देखिए, जी आपके सामने क्रिएट हो गया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, फ्लटर के कोई भी प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं और कोई भी नाम से। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।